बाल सखाओं के साथ वृंदावन के जंगलों में घूमा करते थे। जब इस तरह से बछड़ों को चढ़ाने जाते तो हर रोज कोई न कोई राक्षस से उनका सामना होता। कृष्ण को मारने हेतु कंस इन राक्षसों को भेजता, परंतु ये सब कृष्ण के हाथों ही मारे जाते। एक बार जब अघासुर ने ग्वाल बालों को निगल लिया तो कृष्ण ने अघासुर का वध करके अपने सखाओं की रक्षा की। वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनके प्रिय मित्र कृष्ण ने उनकी रक्षा की। कृष्ण अपने मित्रों सहित यमुना के तट पर आए। मेरे प्रिय मित्रों, यह यमुना का तट कितना सुंदर है। चलो यहीं रहकर हम कलेवा करते हैं। हाँ हाँ, वही करते हैं। हम बछड़ों को छोड़ देते हैं, वो यहाँ पर घास चरते रहेंगे। ओए, मैं कृष्ण के पास बैठूंगा। नहीं, आज मेरी बारी है। ठीक है, मैं बीच में बैठता हूँ ताकि सब मेरे बगल में बैठ सकें। मेरी माँ ने समोसे दिए हैं और मेरी माँ ने नारियल दिया है। मेरे पास पकौड़े हैं। मैं कचौड़ियाँ लाया हूँ। कृष्णा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पराठे हैं। ये लो, तुम भी लो। तुम मेरी पोटली में से कुछ ले सकते हो अगर तुम भी मुझे कुछ दो तो। अरे, ये सारे बछड़े कहाँ गए? कृष्णा कृष्णा, वे कहीं गुम हो गए। वे कहीं दूर चले गए होंगे। देखो, खाई भी घास की राह उस तरफ जा रही है। यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो मित्रों, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लाता हूँ। तुम लोग कलेवे का आनंद लो। क्या तुम्हें लगता है कृष्णा बछड़ों को ढूंढ लेंगे? मुझे लगता है ढूंढ लेंगे। मुझे भी। चलो, हम कलेवा खत्म कर लेते, उधर जाके खाते हैं। चलो। इस प्रकार अपने मित्रों को भय मुक्त कर कृष्ण बछड़ों को गुफाओं और जंगलों में ढूंढने चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा घने जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। वे पुनः यमुना तट पर चले आए, जहां वे मित्रों सहित कलेवा कर रहे थे। परंतु ग्वाल बाल भी वहां नहीं थे। कृष्ण सब जानते हैं,
उन्हें ये समझने में देर न लगी कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सारे ग्वाल बाल और बछड़े चुराए हैं। ब्रह्मा को यह नहीं पता कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। मैं अकेले वृंदावन किस मुंह से जाऊं? सारे ब्रजवासी अपने बच्चों के बिना शोकाकुल हो जाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। ओ कृष्णा, तुमने बछड़ों को ढूंढ लिया। मैं बहुत थक गया हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मैं पहले। ग्वाल बाल वापस अपने घर लौट आए, पर किसी को भी यह शक नहीं हुआ कि वे असली बालक नहीं हैं। वस्तुतः माताओं का अपने बालकों के प्रति प्रेम अकारण ही बढ़ गया। उनका प्रेम सहज ही बढ़ने लगा, यद्यपि ये उनकी असली संतानें न थी। कृष्ण ने लगातार एक वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा। एक दिन एक वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ बछड़ों को जंगल में चरा रहे थे, तब उन्होंने गोवर्धन की चोटी पर गौओं को चरते देखा। गौएं भी वहां से बछड़ों को देख सकती थी। सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगी और प्रेमवश उनके थनों से दूध निकलने लगा। गायों की रखवाली करने वाले पुरुषों ने उनको रोकने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। वापस आओ चुरबी, वापस आओ।
अरे नहीं, गायों ने बछड़ों को दूध पिला दिया है, अब हमारे लिए आज रात दूध नहीं होगा। अरे ये देखो, बच्चे कितने अच्छे से बछड़ों की देखभाल कर रहे हैं। ओ मेरे प्रिय पुत्र, व्रजवासी अपने दैनिक कर्तव्यों को छोड़कर अपने पुत्रों को गले क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने आज सुबह ही तो उन्हें देखा था, और ये गायें अपने बछड़ों पर इतना प्रेम क्यों प्रकट कर रही हैं? ये बछड़ों और बालकों की इतनी अत्यधिक देखरेख हो न हो, इसमें शरारती कृष्ण का ही हाथ है। दाओ भैया, आप यहाँ? अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हे कृष्ण, ये बछड़े और बालक बहुत ही अलग हैं। इस बार तुमने क्या किया है? असली बछड़े और बालकों को ब्रह्मा ने चुरा लिया है, इसलिए मुझे ही इन हजारों हजारों बालकों और बछड़ों के रूप में विस्तार करना पड़ रहा है, ताकि व्रजवासी न जान पाए कि उनके असली बछड़ों और बालक खो गए हैं। पर तुम तो सारी योग शक्तियों के स्वामी हो, तो तुम अपनी योग शक्ति से असली बालकों और बछड़ों को वापस क्यों नहीं ले आए? भैया, ब्रह्मा का एक क्षण हमारा एक वर्ष है, ब्रह्मा अब बस किसी भी समय आते ही होंगे। यह कैसे संभव है? मैंने तो इन्हें छुपा दिया था और अपनी योग शक्ति से सुला दिया था। यह यहाँ कृष्ण के साथ कैसे खेल रहे हैं? क्या ये सब मेरी योग शक्ति से अप्रभावित थे? कौन है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो सकता है। यह क्या? यह सारे ग्वाल बाल तो विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए हैं। हे प्रभु, मैंने यह कैसी गलती कर दी? यह मुझसे कैसा अपराध हो गया? पश्येशमे नार्यमनन्ताते परात्मनि त्वयपि माई माईनि मायां वितत्ति श्रुतम् आत्मवैभवम् ह्यहं कियन्नैच्छमि वार्चिराग्नौ। हे प्रभु, आप ही एकमात्र भगवान हैं। मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाया। मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया। आपके सामने मैं भला क्या हूँ? मेरे अपराधों को कृपया क्षमा करें। अज्ञान से मेरी आंखें अंधी हो गई हैं, जिसके कारण मैं अपने आप को सृष्टा समझ रहा। मुझे सेवक मानकर आपकी लीला में हस्ताक्षेप करने के लिए क्षमा करें। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं तुरंत विदा लूं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद मग्न हो सके। इस तरह ब्रह्मा पुनः अपने लोक को चले गए, पर उन्होंने जो सीखा भी वह कभी न भूले। यह देखो, कृष्णा वापस आ रहे हैं। ओ कृष्णा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम्हें बछड़े मिल गए? अरे वाह, वो देखो बछड़े। तुम्हारे बिना एक क्षण भी एक वर्ष की तरह है। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत देर हो चुकी है,
हमारी माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। चलो। हाय कृष्णा, सो दिस